हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान शिव अपने भैरव स्वरूप में प्रकट हुए थे, और इसलिए इस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा करने का काफ़ी विधान है, काफ़ी मान्यता है। और भगवान काल भैरव को शिव का पांचवा अवतार माना गया है। शास्त्रों में आषाढ़ माह व्रत त्योहारों की दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। आज हम जानेंगे साल 2020 आषाढ़ माह की कालाष्टमी व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार इस चैनल को ऐसे ही देते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं काल भैरव कालाष्टमी की शुभ मुहूर्त। साल 2020 आषाढ़ माह में कालाष्टमी का व्रत 13 जून शनिवार के दिन रखा जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो 12 जून के शाम को ही शुरू हो जाएगी। वैसे तो 12 जून के शाम के 10:52 पर शुरू होगी, और 14 जून प्रातःकाल 12:58 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। अब जानते हैं कालाष्टमी भैरव जयंती की पूजा विधि जानते हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो कालाष्टमी व्रत की पूजा रात्रि में की जाती है। भैरव बाबा को तांत्रिक देवता भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा रात में करने का विधान है। लेकिन अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प जरूर करें, और भगवान भैरवनाथ की पूजा में उन्हें अबीर, गुलाल, चावल, फूल और सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और उनकी कृपा पाने के लिए नीले रंग के पुष्प पूजा में जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद भैरवनाथ की व्रत कथा जरूर पढ़ें। अर्धरात्रि में एक बार फिर काले तिल, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। माना जाता है कि इस तरह विधि विधान के साथ की गई पूजा फलस्वरूप व्यक्ति की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही इनकी पूजा करने से किसी का भय नहीं रहता है, शत्रु समाप्त हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, अब जानते हैं कालाष्टमी काल भैरव की पूजा में सफलता प्राप्ति के कुछ खास उपाय। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। इससे न सिर्फ भगवान भैरवनाथ की बल्कि शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान भैरवनाथ की पूजा के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के भगवान शिव के अंश के रूप में ही मानी गई है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों,
कालाष्टमी के दिन 21 बिल्वपत्र, उन पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि भगवान भैरव प्रसन्न होकर भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव को सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, इनमें से कोई भी चीज़ चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप किसी और अन्य विषय पर भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव।